नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा के शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किया गया है। इस सस्पेंशन के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने कोलकाता के रेड रोड में धरना प्रदर्शन किया। इस धरना मंच पर उपस्थित शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के नेताओं ने ममता चोर लिखा हुआ टी शर्ट पहन रखा था एवं ममता चोर का स्लोगन देते नजर आए। जवाब में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि चोर चोर चिल्लाने वाले शुभेंदु खुद चोर हैं। इस दिन बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से शुभेंदु अधिकारी के सस्पेंशन के खिलाफ वॉकआउट भी किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के अध्यक्ष विमान बैनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने सोमवार को विधानसभा परिसर में संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में पश्चिम बंगाल विधानसभा से जुड़े तथ्यों के अलावा और कई अन्य ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ इस संग्रहालय का परिदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय गान असम्मान करने के एक मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोलकाता हाईकोर्ट के जज जयसेन गुप्ता ने राज्य सरकार से पूछा कि आप धरना मंच पर राष्ट्रगान क्यों गा रहे थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय गान असम्मान मामले में बीजेपी के विधायकों के विरुद्ध दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। दरअसल केंद्रीय सरकार के विरुद्ध विधानसभा परिसर में स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तले सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच बीजेपी विधायक भी राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 1 राज्य में जीत दर्ज की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली भारी सफलता पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं, कांग्रेस की हार है। विधानसभा में अपना वक्तव्य रखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी विरोधी दलों के साथ सीटों का समझौता होता तो वोट बंटवारा नहीं होता और बीजेपी की जीत नहीं बल्कि हार होती। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान रोके जाने के मामले में पश्चिम बंगाल से सांसद सुदीप बैनर्जी ने सदन में जबरदस्त शोर मचाया। इसी बीच सांसद व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ सुदीप बैनर्जी की बहसबाजी भी हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि मिड डे मील के 4,000 करोड़ रुपए टीएमसी की सरकार ने कटमनी के रूप में बांट दिए हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की गई है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में चिल्लाते हुए कहा कि टीएमसी के आधा दर्जन एमएलए घोटालों के आरोप में जेल में हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित बिलों को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मांगा स्पष्टीकरण। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सदन में पास किए 12 बिलों को पास करवाने के लिए राजभवन भेजा था, परंतु अब तक राज्यपाल ने बिलों पर हस्ताक्षर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि सभी बिलों को लेकर राज्य सरकार पहले स्पष्टीकरण दे। इन दिनों राज्य सरकार एवं राज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, चक्की फ्रेश आटा, आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।